हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉकेट में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे HCF या LCM के कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपको SSC का हो चाहे IBPS का हो। दोस्तों, SSC में HCF के कॉन्सेप्ट में लगभग 2 से 3 सम आ जाते हैं, और अगर बात करें SBI की या IBPS की तो इसमें भी 1 या 2 सम आ जाते हैं। ओके, तो दोनों एग्ज़ाम में इसकी वेटेज 1 से 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी 1 से 2 मार्क्स लेने काफ़ी आसान है, इसलिए हम इस टॉपिक को आज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और आगे SBI क्लर्क का एग्ज़ाम आ रहा है, तो हो सकता है, उम्मीद है कि वहाँ पर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं HCF की कंसेप्ट के बारे में डीपली, जिससे कि आप वहाँ पर आए किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम HCF के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। दोस्तों, HCF को फाइंड करने के 2 तरीके हैं। कैसे? पहला फैक्टर है फैक्टराइजेशन का और दूसरा फैक्टर है डिवीजन का। तो हम थ्योरी पे नहीं जाएंगे, जाएंगे प्रैक्टिकली ही, पर लेकिन वाया थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे कि हम आपको एक चीज़ बताते हैं, और सबसे पहले आप ये बताओ कि दो 4 का HCF क्या होगा? 2 4 का HCF क्या होगा, बताइए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, 2 4 का HCF, इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसा फैक्टर बताइए जिसको दोनों डिवाइड कर रहे हैं, आप कोई ऐसा फैक्टर बताइए वो फैक्टर दोनों को डिवाइड कर रहा हो। ओके, दोनों को डिवाइड कर रहा हो, एक हाईएस्ट फैक्टर, हमको पता है आंसर आएगा 2। ये हमने अपनी समझ से बता दिया कि 2 होगा। ओके, हाईएस्ट फैक्टर, ऐसा 1 भी है, 1 भी 2 को डिवाइड कर देगा, 4 भी 2 को डिवाइड कर देगा, पर हमने यहाँ पर हाईएस्ट फैक्टर देखा, हाईएस्ट ऐसा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर देगा। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 4 को 2 से करोगे 2 आएगा, वी नो दैट। पर लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके, जैसे 3 और 6 का आंसर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका HCF होगा 3। ओके, ऐसे ही मान लो एक HCF है 24 का और 108 का, इसका आंसर क्या आएगा, एक मेथड जो आपके कॉमन सेंस है उससे निकालें हम, उसका आंसर क्या आएगा इसका। अगर दोस्तों आप इसको एग्जाम में थोड़ा सा चतुर खेलते हो तो कभी कभी वो ये सवाल गलत हो जाते हैं। मान लो आपने इसको ऐसे कर दिया, 12 × 2 = 24, ठीक है, और 12 × 9 = 108, हमको पता है 12 का टेबल यही होता है। ओके, तो 12 12 कॉमन है, 12 इसका आंसर आ गया, 12 से बड़ा तो होगा नहीं कोई, 12 ही इसका करेक्ट आंसर है। पर कभी कभी 12 को अगर हम इस तरह निकलते हैं ना कि 12 × 2 = 12 × 9, तो कभी कभी वो गलत हो जाता है। ओके, एंड और देखते हैं, ये 2 वाला हो गया, अगर हम 3 वाला आ जाए, वो कोई भी मान लो क्वेश्चन है आपके सामने, 108 288 360, ये थोड़ा मुश्किल है बिगिनर्स के लिए। तो सबसे पहले हर चीज़ के अगर आप कर रहे हो, हम सबसे आसान करते हैं, मान लो आप बना रहे हो 2 और 4 का HCF कर रहे हो आप, अगर आप 2 और 4 का HCF, आपको पता है इसका आंसर 2 आएगा, वी नो दैट, पर लेकिन थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट कर दो ताकि हम आने वाले जो मुश्किल सम है आगे आएंगे जो, उसको आसानी से कर सकें। अगर आसान को मुश्किल से करोगे तो जो मुश्किल आएंगे वो आसानी से हो जाएंगे। ओके, जो 2 है उसको तोड़ो, 2 × 1 = 2, ओके, इसके हमने फैक्टर बना दिए। ओके, 4 के बना दो, 2 × 2, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2, ठीक है, 1 नहीं है, 2, ये वाला 1 नहीं है, ये वाला 2 नहीं है, ये वाला 2 है, तो ये वाला 2 हमने दोनों में, ये वाला
ये हमने रख लिया, ये दो हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही मान लो 24 और हमने किया था 108, तोड़ दो इसको, तोड़ दो जितना तोड़ना है तोड़ दो इसको, दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ दिया 24, ये आ गया ये आंसर इसका 24 का। अब 108 को तोड़ लो, 108 को तोड़ो, दो दुना चार, चार दिया 12, 12 दिया 36, 36 दिया 108, हो गया है ना। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन जो सबसे कम वाला होगा उस वो देखो, इसमें 2 × 2 है, इसमें 2 × 2 है, पर लेकिन 2 × 2 है, जो 2 × 2 × 2 है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो वहाँ है, ओके। तो हम सबसे कम वाला लेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर जो 2 × 2 है, 4 है जो इसका, वो यहाँ से ले लेंगे हम, वो ले लिया हमने, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2 × 2, 2 × 2 यहाँ में लिख लिया, जो कॉमन है दोनों में, ठीक है। 3 तो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है दोनों में, वो 2 × 2 ही है। और देख लो 3 देख लो, एक यहां पर तो 3, एक यहां है, यहां पर तो 3 × 3 लिखा हुआ है और यहां पर सिर्फ 1 बार लिखा हुआ है। हम एक बार लेंगे जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन, तो ये बार ले गया, एक ये बार ले गया, तो हमने यहां पर 3 लिख लिया, ओके। तो आंसर क्या आ गया, 12, 2 × 2 4, 4 × 3 12 इज राइट आंसर। और कर लेते हैं, थोड़ा मुश्किल कर लेते हैं, 3 वाला कर लेते हैं, 108, 288, 360, ठीक है। 108 का क्या हो गया, 2 × 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 × 3 108, 288 का ले लो, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 × 3 96, 96 × 3 288 बन गए, फैक्टर बन गए। 360 के ले लो, 2 × 4, 4 × 8, सॉरी 2, 8 × 3 24, 24 × 3 72, 72 × 5 360, 360 के बन गए। तो अब इसको कॉमन निकाल लो, सबसे पहले 2 ले लो, यहाँ पर 2 × 2 है, यहाँ से 2 × 2 ले लो और यहाँ से 2 × 2 ले लो, तो हमारे पास पहला क्या आ गया, 2 × 2 मतलब कि 4, 4 ले लो, उसके बाद 3 ले लो, 3 वाले फैक्टर ले लो, सबसे 3 वाले कम फैक्टर कहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 × 3 × 3 3 × 3 यहाँ पर से भी 3 × 3 3 × 3 कितना होता है 9, 3 × 9 ये ले लो। अब रह गया 5, 5 तो सिर्फ एक में ही है तो बाकी नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। आंसर क्या आ गया, 36, 4 × 9 36, 36 इज अ करेक्ट आंसर। तो ये है फैक्टराइजेशन का सबसे आसान मेथड, इसे कहते हैं फैक्टर मेथड से HCF निकालना, और सबसे आसान मेथड है ये दोस्तों, ओके। और नेक्स्ट थिंग, इसको भी छोड़ दो, अगर मान लो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर जो बड़े इक्वेशंस होती हैं, बड़ी इक्वेशंस, उसको हम कैसे टैकल करेंगे एग्जाम में, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। मान लो बड़ी करनी है ना, सबसे पहले छोटी देख लो, करने का आसान तरीका है, सबसे पहले कभी भी बड़ी टर्म को मत उठाओ, कभी भी आप सम निकाल रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, सम तो बाद में निकालोगे, एग्जाम में तो उसके बाद जाओगे, अभी तो फॉर्म भरा है हमने, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के लिए हम सबसे पहले आसान सम करेंगे, आसान सम को थोड़ा सा, आसान सम को थोड़ा सा मुश्किल से कर लो तो मुश्किल वाले सम आसान हो जाएंगे। तो मुश्किल वाला सम को आसान बनाने से पहले आसान सम को मुश्किल कर लेते हैं। मान लो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हम, मान लो कोई ऐसा रकम है, ऐसी कोई स्टेटमेंट है, 1134 है एक और 1251 है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इस कैसे कैसे निकालेंगे, क्योंकि SBI का एग्ज़ाम है, SBI तो मुश्किल डाल सकती है, IBPS का तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो हम कैसे इसको टैकल करेंगे। इसको टैकल करने के लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है, जिन बच्चों को टेबल आसानी से नहीं आती उनके लिए एक आसान सोल्यूशन होता है हमारे पास। कैसे, सबसे पहले आसान सम करते हैं, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 और 4, इसका हमें HCF निकालना है। हाँ, हमें पता है कि फैक्टराइजेशन का मेथड हम यहाँ पर लग जाएगा, सब 2 जाएगा वो तुम्हें पता है, पर लेकिन एक और मेथड भी है, वो क्या होगा, वो होगा मान लो आपके पास ऐसा ही सम है 2, अगर आपके पास कई किन्हीं 2 इक्वेशन का आपको
HCF निकालना हो तो आप उनको डिवाइड कर दो आपस में ऐसे, चार आ गया तो आंसर क्या आ गया, दो 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 दो, जो आंसर होगा इट इज दैट योर HCF, वो आप होगा आपका HCF। और कर लेते हैं, 24 108 है, यही था आंसर क्या था इसका, 12, वो करना है हमें तो वो कर लेते हैं, कैसे होगा, 24 है 108 है, हमको अब पता लग चुका है, वीडियो के शुरू में देख चुके हैं आंसर इसका 12 आएगा, पर लेकिन इसको अपने डिवीजन मेथड से करते हैं, ये 24 है 108 है, दुनिया में सबको पता है 24 चौक 96 होते हैं, 24 से कम 24, 24 दुना 48, 24 या 72, 24 चौक 96, जो 24 चौक 96 आंसर आ गया 12, ठीक है। अब क्या करोगे आप, जब आपको पता लग चुका है कि हमारे पास बच चुका है ये रिमाइंडर, हमारे पास ये बच चुका है ये रिमाइंडर, तो इसको भी घात तोड़ दोगे, तोड़ना नहीं है इसको भी घात वर्तोगे, कैसे, अगर आपके पास रिमाइंडर बच जाए ना तो आप उसको इस वाले से मतलब क्वेश्चन होता मे भी, इससे क्या करोगे आप डिवाइड फिर से कर दोगे, 24 आ गया ये बन गया 2 से, और तब तक करते रहोगे जब तक डिवाइड नहीं हो जाता, हम आपको फिर से एक चीज बताएंगे, ये आ गया 0, आंसर आपका आ गया 12। जिस इक्वेशन में सबसे लास्ट में 0 ले आया है, जिस इस वाले ने क्वेश्चन ने जिसने जिससे डिवाइड करके आंसर 0 आया होगा, वो ही होगा आपका आंसर, जैसे कि 2 और 4 में किया था हमने, 2 को डिवाइड करके 4 0 आया था रिमाइंडर, आंसर आपका 2 था, है ना, वही होता है आपका HCF। और इक्वेशन कर लेते हैं हम, आपकी बात मान लेते हैं, 1134 कर लेते हैं, 1134 1251 इसका करो आप HCF, ओखा होता है, टफ होता है ना, तो कैसे करोगे आप इसको, 1134 है, 1251 है ना, तो इसको कर दो एक से डिवाइड, 1134 यहाँ पर क्या आ गया, क्या आ गया, बच गया हमारे पास 81 बच गया, करके देखो चाहिए आप, 81 बच गया हमारे पास। अब ये रिमाइंडर को आप इससे फिर से कर दो डिवाइड 1134 से, कैसी को एक से किया 81 और ये बच गया मतलब 324, और 81 को 4 से किया वो मतलब 324, आंसर आ गया 0 कांटी, ओके, तो आंसर क्या आ गया हमारा 81, नोट 14, आप वहां पर 14 लिख के आओगे, ओके, जिसने डिवाइड करके 0 लेके आया है वही होगा आपका HCF, जिसने आंसर नहीं, नो आंसर, जिसने डिवाइड किया है वो होगा आपका आंसर, सरल भाषा में बता रहा हूं, जिसने आपके डिवीजन मेथड में डिवाइड करके आंसर रिमाइंडर 0 लेके आए हैं वो होगा आपका HCF, ओके। कभी कभी आप फैक्टर बनाने की कोशिश करते हो तो फैक्टर कई कई बार बन नहीं पाते, फैक्टर डिफिकल्ट बनते हैं, या कभी कभार दिमाग में नहीं आते, ठीक है, पर लेकिन डिवीजन मेथड भी काफ़ी रेलेवेंट है, ओके। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं इसमें, और एक बात दोस्तों, एक और कंसेप्ट, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है, अगर मान लो कि HCF की 3 अंकों का आ गया और अगर हमको पढ़ना करना पड़ गया डिवाइड आपस में, तो हम कैसे करेंगे, मान लो आ गया अगर कोई 3 टर्म्स है XYZ, अगर वो XYZ टर्म्स मान लो बड़ी हुई, तो हम किस किस को किससे डिवाइड करेंगे, ये सबसे डिफिकल्ट सवाल होता है दिमाग में, हम कर जाते हैं तैयारी और किस चीज़ की, आ जाता है कोई और, होता वही है, ठीक है। तो अब आप वहाँ पर क्या करोगे, मेरे ख्याल से वो होते हैं नहीं है, फैक्टराइजेशन से होगा, नहीं भाई भैया, डिवीज़न मेथड से भी हो जाएगा वो, कैसे, मान लो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास 42 63 140, यहाँ पर आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ये सभी जितने भी आपके दिमाग में डाउट होंगे ना, तो इस सवाल से सभी आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 42 है यहाँ पर, 63 है, 140, आपको इसका निकालना है HCF, ठीक है। हम यहाँ पर करने जा रहे हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है, दोनों मेथड से करेंगे,
बयालीस और तिरसठ का पहले कर दो डिवीज़न, बयालीस तिरसठ, बयाली एकम बयाली, तो आंसर आ गया 21। यहाँ से कर दो 42 से फिर से डिवाइड, आंसर कर दो, यहाँ आ गया बयाली, आ गया जीरो काटा तो आ गया रिमाइंडर बच गया हमारे पास, तो आंसर आ गया आपके पास इन दोनों का आ गया 21। बयाली और तिरसठ का जो हमारे पास HCF है वो आ गया 21। क्लियर डाउट, क्लियर। नेक्स्ट थिंग, अब क्या करें 140 का जो बच गया हमारे पास, जो 21 आपके पास आंसर आया है वो उसको 140 से कर दो डिवाइड। ओके, कैसे करोगे, 21 को पहले 6 से कर दो मल्टीप्लाई, 126 आ गया 14, फिर से कर दो 21 से डिवाइड, एक 14, फिर आ गया 7 बच गया, फिर आ गया फिर से 14, फिर 2 इंटू 14 इंटू 0। ओके, तो आंसर हमारे पास क्या आया, जो जिसने, मैंने पहले बता चुका हूँ, जिसने लास्ट में 0 लेके आया है, जिससे डिवाइड करके, जिसने डिवाइड किया है, ठीक है, जिसने डिवाइड किया है, जिसको डिवाइड करके नहीं, जिसने डिवाइड किया है और जिसने डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लेके आए हैं वो होगा आपका HCF। तो 42 63 और 140 का जो हमारे पास HCF आया वो है हमारे पास 7। 7 इज़ द राइट आंसर। ओके, 42 63 140 HCF इज 7। मेरे ख्याल से अब आपके सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे HCF के रिलेटेड। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो दोस्तों तो आप मुझको कमेंट कर सकते हो किसी भी सम का। ओके, तो हम दोस्तों हम LCM की वीडियो अगली वीडियो बनाएंगे LCM की, और अगर आपको HCF के रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मेरे पास ला सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं HCF LCM के आपके पास और क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ओके, तो SSC के लिए और IBPS के लिए और SBI के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक रह गया चुका है, और उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ और इस एग्जाम को, जिसमें हम कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि इस टेस्ट को, SBI को या IBPS के किसी भी एग्जाम को क्लियर किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।